सॉल्व मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टू। तो मॉड एक्स प्लस वन और मॉड एक्स माइनस वन और वन के बीच है, इस तरह से ग्राफ होता है, मतलब ब्रेक करेगा फंक्शन माइनस वन से पहले, वन के बाद और माइनस वन से वन के बीच और वन के बाद, तीन केसेस होंगे। तो केस वन में हम एक्स लेस देन माइनस वन ले लेते हैं, इक्वल टू भी यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में माइनस वन से पहले ये निगेटिव एक्स माइनस प्लस वन और ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस वन। तो वन से पहले, तो वन से पहले तो माइनस वन से भी पहले हुआ, तो ये निगेटिव, तो माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टू। उस समय माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन टू, ये कैंसल, माइनस टू एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, यहाँ पे दिख भी रहा है इस ग्राफ में, टू के इक्वल्स किया जाए तो जीरो पे ये टू ही आ रहा है, ये वैल्यू टू है, तो माइनस वन पे भी टू आएगा, और यहाँ माइनस वन से वन के लिए हमेशा टू आएगा सभी वैल्यू के लिए, और वन के लिए भी टू आएगा, ग्राफ तो मालूम ही है। नेक्स्ट केस टू, तो ये वैलिड सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि इक्वल टू साइन मैंने यहाँ लिया है, और नहीं भी लेते तो अगले वाले में आ जाता है, माइनस वन से वन तक का सॉल्यूशन तो है ही। केस टू, एक्स माइनस वन से वन तक, उस केस में माइनस वन से ग्रेटर पर तो पॉजिटिव प्लस साइन के साथ तो अपन होगा, और ये माइनस साइन के साथ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टू, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टू, ये टू इक्वल्स टू टू, और टू इक्वल्स टू ट्रू है सभी वैल्यू के लिए, तो किसके लिए, तो एक्स तो आपका माइनस वन से वन है, तो सॉल्यूशन सभी हो जाएंगे, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन तक सभी सॉल्यूशंस होंगे, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक वैलिड होगा। नेक्स्ट केस थ्री, यहाँ पे टू, उस केस में वन से ग्रेटर पर तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टू, और टू एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू वन। तो इस केस में वन पे ये टू आएगा, तो आप देख रहे हैं कि वन माइनस वन और ये इंक्लूडेड है, तो तीनों केस मिला के तो एक ही बातें हैं, माइनस वन से वन तक इसका सॉल्यूशन है, कोई वैल्यू डालें आएगा। तो याद ही रखें कि इस तरह का अगर ग्राफ आता है मॉड एक्स माइनस बी, तो सीधा ग्राफ यही होता है ए से बी, ए से बी तक, और ए से बी में ये कांस्टेंट रहेगा, ए से बी में कांस्टेंट रहेगा, और एक तरफ माइनस टू स्लोप होगा, एक तरफ प्लस टू स्लोप होगा, एक तरफ प्लस टू स्लोप होगा इसके साथ होता है, बाकी इक्वेशन में आगे क्या है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे सॉल्यूशंस क्या होगा। और इनइक्वालिटी में भी ये ग्राफ काफ़ी हेल्प करेगा, डिफ्रेंशिएबिलिटी में, कंटिन्यूटी में, सब में ग्राफ इसका जो है आपको हेल्प करेगा। अब ए बी पॉजिटिव है निगेटिव है उसके अकॉर्डिंग एक्सेस हो जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि अब ए पे कॉर्नर बनाता है नॉट डिफ्रेंशिएबल, बी पे नॉट डिफ्रेंशिएबल, तो इस तरह का ग्राफ ए और बी पे डिफ्रेंशिएबल नहीं होता, तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिलेगा, इस ग्राफ का फ़ायदा मिलेगा सॉल्यूशंस में भी, वैसे आप एनालिटिकली ऐसे कर सकते हैं, और ग्राफ मालूम है तो काम आसान हो गया, आप कंटिन्यूटी डिफ्रेंसिबिलिटी स्लोप सब कुछ मालूम कर सकते हैं किस जगह पे कहाँ पे क्या है।